झाग देखने से पता लगता है कि किसी ने जहरीली बूटी खिला दी। सबूत है, तुम हो, तुमने देखा, तुम गवाही दोगे। गैया इसके भाई हीरा ने मारी है, जिसकी बूटी खिलाएगी। तूने देखा था हीरा को वहाँ गैया के पास खड़े हुए? कुछ दे दिलाकर खत्म कर मामले को, ऐसी गर्दन नहीं छूटने वाली तेरी। काहे डर लग रहा है, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं तो तब चल यहाँ से, कोई आ जाएगा तो और मुसीबत आ जाएगी, चल। अरे वही झुनिया, भोला की चुकरिया, आधी रात से घर में धमक के बैठ गई, 4 महीने के पेट से है। मैं ये दूसरी जान साथ में लेकर मर भी नहीं सकती। तो भाग ही गया है और हमारी जान संकट में डाल गया है। भाई मेरे ख्याल से तो इस बात की खबर राय साहब को कर देनी चाहिए। इसमें राय साहब से क्या पूछे, बुला लो पंचायत, लगा दो 150 रुपए। कपड़ा दे, ले लो। ठाकुर 100 रुपये में घर तो गिरवी रख दिया, और ये रुपया तो पंचायत के पास चला जाएगा। अब आंख सेकने को सही कुछ नकदी हाथ पे रख दो, घर पे दाई बैठी है, पोता पैदा हुआ तो कह दूंगा। अम्मा मैं जाऊं अंदर? जा। अम्मा मैं भी जाऊं? हाँ हाँ जा।
का हुआ वा? यहाँ का हुआ? अजी तुम दादा बन गए, छोरा हुआ है। किस पे गया? अपने गोबर पे सच्ची। तगड़ा तो है। हाँ, कैसे नहीं ये तगड़ा? हाँ। अरे भैया आ जाओ, बस पहुंच गए। सरकार। सरकार जी, शहर से इतनी दूर बाग क्यों बनवाया आपने? अरे भैया अब दूर कहाँ, ये तो शहरी अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गया। समझ गया। ये यहाँ रख दो, एक 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 आराम से। ये लो। तो सुनो एक काम करो, इसमें जरा पानी भर लाओ, हो गए वो वहाँ है नल देखो जी। ओ शाबाश। अब क्या है, पैसे तो दे दिए ना, कम तो नहीं दिए? नहीं हुजूर, वो हुजूर वो क्या है ना हुजूर, मैं कोई नौकरी करना चाहता हूँ हुजूर। अब ये झल्ली ढोने का काम अच्छा नहीं लगता ना, तो क्या नौकरी करना चाहता है? कुछ भी हुजूर। माली का काम जानते हो? सीख ले। ठीक है, हम रख लेते हैं, तनख्वाह क्या लोगे? जो आप समझ बूझ के दे दें हुजूर, एक रहने को ठिकाना चाहिए बस। वो झोपड़ी देख रहे हो गेट पर है? जी हुजूर। तो हम तुम्हें 15 रुपए महीने के देंगे, लेकिन काम खूब कस के लेंगे। जी जी जी। पेड़ पौधों को पानी देना होगा सुबह शाम जी, चौकीदारी भी करनी होगी, करेंगे, और वो झोपड़ी मिल जाएगी तुम्हें रहने के लिए, मंजूर है? मंजूर हुजूर। उस पर अगर हम कोई काम कह दें तो करना पड़ेगा, हम चाहें तो इनाम देंगे, और अगर नहीं दें तो तुम मांगोगे नहीं? नहीं मांगेंगे हुजूर। उस पर कभी कभी तुम्हें हमें उधार भी देना पड़ेगा। मैं समझा नहीं, हम आपको कैसे? अरे भाई ऐसा है, कभी कभी हमारे पास नकद पैसा ख़त्म हो जाता है, ऐसे में हमें शराब की ज़रूरत पड़ती है, तो तुम्हें शराब के लिए हमें उधार देना होगा। होएंगे तो ज़रूर देंगे हुजूर। होएंगे मतलब सारे पैसे खर्च कर देगा, बचाएगा नहीं? ना हुजूर, बचाने के लिए ही तो नौकरी कर रहे हैं ना। शराब तो नहीं पीता? ना हुजूर। तो जरूर बचेगा, फिक्र नहीं, शराब पिएगा तो कुछ नहीं बचेगा। सरकार तो कब से आएगा काम पर साहब? हम तो अभी से हाजिर हों सरकार। ठीक है, ये सब पौधे उठा के वहाँ बाग में रख भेजा। ठीक है। है?
कहाँ हो रही भैया, तम्बाकू लोगे? हाँ भैया, हमने तो छोड़ दी तम्बाकू। का है? अरे तम्बाकू के लिए पैसे होते जेब में तो एक मुट्ठी चना न ले जाते बच्चों के लिए। कहाँ बात करते हो भैया, पुनिया की फसल तो बहुत अच्छी हुई थी इस बार, बुखार की हालत में भी थे, फिर भी सभी काम तो तुम्हें ने किया। पुनिया कब आई थी जमीन पर? लो दो कस लगा लो। धीरे धीरे लगाओ भैया। भाई जुल दे जाए तो भावत को कौन देखेगा? अब हम न देखते तो दुनिया का कहती, और फिर हमारे गांव के सूदखोर महाजनों को कौन नहीं जानता। जैसे ही हीरा गया सबकी नज़र उसकी ज़मीन पर। अब पुनिया आज बेचेगी कि कल बेचेगी, ऐसे वक़्त में हमें तो आना ही था। तुम्हारी अपनी फसल भी तो ले गए थे ना वो पंच वाले, हाँ बचा का दोमन, दोमन से का होता? एक महीना हो गया उसको डेकारे भैया, घर में गोद का बच्चा है, अब उसको सुबह शाम दूध तो चाहिए। कब तक गुड़ चटाक भी चुप कराएंगे? इतना तो हम भी कर सकते थे, हाँ कह के तो देखते एक बार। अरे आज तो रूपा महाराज के यहाँ से बकरी का दूध लेकर आए, तब बछुआ को पिलाया भैया। भौजी का काट रही हो, का पक रहा है? अरे अब का पकाऊंगी बहू, ऐसे ही जंगल से कुछ जड़े खोद लाई तो उन्हीं को साफ कर रही हूँ। काहे रोटी ना पकाओगी? कितनी बेरा भय गई। तुम कहो कैसे आना हुआ? सोना कहाँ है? मंगरू सा क्या गई है, सेर दो सेर आटा उधार दे दे तो। काय हमारे यहाँ से काय नहीं मंगवाया? वो फसल भी तो हो रही भैया की कमाई है। ऊ न होते तो का एक को सिट्टा भी उपजा होता हूँ जमीन पर। भौजी सुख के दिन आवे तो खूब लड़ लेना, जी भर के लड़ लेना भौजी। भौजी दुख तो साथ साथ रोने से ही कटेगा। इसने तो साफ मना कर दिया अम्मा। जीती मुझे पहले ही खबर थी। सोना बिटिया चल घर में अनाज और अरहर की दाल भरी पड़ी है, चल ले आते हैं। चाची कह रही ना जा, चली जाओ। चल ले आओ एक दूध ले लो, गिरधारी ने बाजार से मंगवा के दिया है खास बचुआ के लिए। ओ, स्टाड़ी कोर को खास मिल गए इतने सारे पैसे।
अम्मा ये देखो कितना सारा ले आई भाई। ये देखो भाजी, थोड़ा सा दाल बचा था तो वो भी ले आई मैं। पाई लगी चाची जी। सुबह होती रहो बिटिया। दादा आए, उनके गुड़ पानी का इंतजाम कर दे, थाली तो दे। भाभी जुन्नू सो गया क्या? बाहर बैठे ही रहा है बस। लाओ भौजी, मैं चूल्हा जला देती हूँ, तुम खुद ही जाके पूछो दद्दा को। जुनिया देख लेगी। भौजी एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगी? अब मन में आई है तो कह डालो। तुम्हें जुनिया को घर में ना रखना चाहिए था। तो क्या करती, निकाल देती डूब मरने के लिए? हमारे घर में रख देती तब तो कोई कुछ ना कहता। ये तो आज कह रही हो बहू, तब रखवाती तो झाड़ू लेके दौड़ती। हाँ ऐसा ना कहो भौजी। ऐसा मत कहो। अरे जुनिया, तेरे बापू नहीं आए अपने नवासे का मुंह देखने? हाँ आ तो रहे, पर पता नहीं किसका मुंह देखने आ रहे। कौन आ रहे? तेरे बापू भोला? हाँ मैंने देखा उन्हें गली के मोड़ पे, देखा तो मैं मुड़ गई पीछे। अब क्या लेने आ रहे हैं? क्या बिटिया को साथ ले जाएंगे? अरे करम फूटे हैं, गाय के पैसे मांगते हैं। पहले तो रट लगा रखी थी कि शादी कराए दो शादी कराए दो। हाँ। और अब जान के दुश्मन हो गए। अच्छा भौजी जाती हूँ, कुछ नमक तेल लगे तो मंगवा लेना। तू जा अंदर बैठ। यही है तुम्हारा वादा? इसी मुंह से तुमने ऊख पेर कर रुपए देने का वादा किया था, अब तो कब की ऊख पेर चुके? लाओ मेरे रुपए। अब रुपये तो हमारे पास है नहीं बोला। देखो हरी, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास रुपए हैं कि नहीं है, बस अब तुम्हें बताओ कैसे करें। इसमें मैं क्या कहूँ, तुम कहो तुमको देना है। अब उधार तो हमें कहीं से मिल नहीं सका था, ये घर गिरवी रख कर हमने बिरादरी का कर्जा चुकाया है। अब घर में तो बस अब भूख और गरीबी ही है, तुम्हें कुछ दिखाई पड़ जाए तो भैया उठा ले जाओ। अगर हम कहें कि हम तुम्हारे दोनों बैल खोल के ले जाएंगे तो? और अगर हम ही कह दें कि हमने तुम्हारे रुपये दे दिए हैं तो? अरे वाह, ये तुम कह सकोगे, कह लोगे तुम? अरे भैया काहे हम पे बैर निकाल रहे हो,
जुनिया घर पे आ गई तो हमें कोनो बैकुंठ तो नहीं मिल गया। जवान लड़का हाथ से चला गया, 200 रुपये दंड भरना पड़ा सो अलग। अब तुम ही हमारी जड़ें खोदने को तैयार? अरे राम जानते हैं, मैं तो समझता था कि लड़का सत्संग जाता है। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात में जुनिया हियाँ आके बैठ गई। हियाँ भैया हियाँ। तो बैल मांग रहे हैं ना, तो दे क्यों नहीं देते? पेट भरे इनका, हमारे हाथ पैर तो नहीं काट लिए? आज तक अपनी काटते थे, कल कहीं और मजूरी कर लेंगे। हाँ, अरे जो अपने खून का बैरी हो जाए वो हमार कहा होने लगा। हाँ? तुम अपने 100-200 की रोते हो, वो तो चुका दिया बिरादरी को। यहाँ तो लाखों रुपयों की आबरू चली गई, आबरू उसका क्या करें? देखो मातो, तुम्हारी कुशल इसी में है कि तुम झुनिया को जैसे घर में लाए थे वैसे चुपचाप निकाल दो, फिर ना हम बैल मांगेंगे और ना गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है पूरी बिरादरी में, 7 जन्म का। तो हमारी भी सुन लो, मैं तो जो बात तुम चाहते हो वो तो ना होने की है, 100 जन्म में ना होने की। झुनिया हमारी जान के साथ है। हाँ, तुम तो सिर्फ बैल खोल के ले जाओगे ना, खोल के ले जाओ, उससे तुम्हारी कटी नाक जुड़ जाती है, तो जाओ जोड़ लो अपनी नाक। हाँ, इस उम्र में भी शादी का भूत सवार है, ये तो फिर भी बच्ची है। हाँ? होरी, देखा ना, एक तो करसदार, ऊपर से तुम्हारी जोरू ताने सुनाती है मुझको, ताने मैं छोड़ूंगा नहीं, बता देता हूँ। हाँ, तो जाओ भैया, जाके हमारे बैल खोल लो। तुम वही करो जो तुम्हारा धर्म कहता है, हम वही करेंगे जो हमारा धर्म कहता है। झुनिया हमारे घर की इज्जत है, उसे ऐसा घर से तो नहीं निकालेंगे हम। अच्छा, तो तुम नहीं निकालोगे, ठीक है। फिर मत रोना, फिर मत कहना कि हमारे बैल खोल के ले गए, ठीक है ना? हाँ, बापू, बापू मैं घर से निकल जाऊंगी, पर ऐसा जुलूम तो ना करो हम पर बापू। हट, आप कहो तो मैं डूब के मर जाऊंगी। हट, अरे डूब के मरे वो जिन्हें अपनी औलाद से बैर हो। हाँ? जूतों से ना पीटे तो आके कहियो हमसे। हाँ, देख लेंगे, दिखा दिया। अरे चलो आ जा।